अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अहमद अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी 33 मिनट्स की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसके अंदर मैंने तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए थे न्यू स्कीम से रिलेटेड, जो सीए एजुकेशन की स्कीम है जो मुझे पिछले 48 घंटे के अंदर रिसीव हुए हैं। बट समहाउ मुझे नहीं पता, शायद माइक जो है वो ऑन रह गया। मैंने वो अपलोड भी की, लेकिन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि वो उसके अंदर वॉइस ही नहीं है। मैंने सुनी सुनने मैंने जल्दी जल्दी वो रिकॉर्ड की, अपलोड की, तो क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था उसके ऊपर सारा, तो मुझे बाद में पता चला कि वो उसके अंदर वॉइस ही शायद रिकॉर्ड नहीं हुई। मे बी या माइक का कुछ इशू था, या वल्ला अल्लाह, मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ। अब वो ऑब्वियसली उस एनर्जी के साथ या वो सारी चीज़ें तो मैं दोबारा नहीं कर सकता, तो मैं कोई कोशिश करता हूँ एक छोटा वर्जन जो है ना, कंसाइज वर्जन, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो आपको, क्योंकि अब मैंने सवाल सारे गो थ्रू कर लिए थे, तो आप लोगों के लिए वो 30-35 मिनट जो है वो मुश्किल ना हो एक ही चीज़ को बार बार सुनने के लिए। सर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बड़ी मुश्किल से एक तो ज़ाहिर है आपको नहीं पता कि ये चैनल बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा। मैंने 2015 से स्टार्ट किए, मुख्तलिफ चैनल बनाए, उसके बाद सीख 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 के आज मेरा ये चैनल जो थोड़ा बहुत चल रहा है। तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी तादाद कम है, मुझे लग रहा था कि जो तादाद जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी भी गलती है, मैं बीच में कभी कभी ऑफ हो जाता हूँ। तो कोशिश है मेरी कि मैं हर 2 दिन बाद जो है वो एक नई वीडियो डाला करूँ। तो आप लोगों की एक तो सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, अभी तकरीबन 9,000 से ऊपर चले गए, 10,000 के करीब है। कोशिश करें जल्द अज जल्द इसको 10,000 बनाएं, फिर 10,000 से हम इसको और आगे इंशाल्लाह ले जाएंगे। और 10,000 जब कंप्लीट होंगे तो मैं अपना पावर बी आई का पूरा कोर्स है वो अपलोड कर दूंगा। अभी 12-13 लेक्चर अपलोड हुए हुए हैं, 10,000 के ऊपर मैं पूरा अपलोड कर दूंगा फ्री के लिए। तो आप कोशिश करें जितना जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, इतना जल्दी जो है आपको कोर्स पूरा जो है वो मिलेगा। अच्छा, उसके बाद वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। मैं अब रिपीटेटिव क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर रहा, मैंने सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए हैं। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, जो पाँचों प्लेटफॉर्म्स पे, और ईमेल, तो इनके ऊपर जो 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करता हूँ। मतलब सर पहला सवाल है कि जो मैं आपको बता देता हूँ जी, पहला जो ज़्यादा एक सवाल रिसीव हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी का बी लॉ पास है, सी लॉ पास नहीं है, या सी लॉ पास है बी लॉ पास नहीं है, और मार्च 25 के अंदर यानी ये सिचुएशन बनती है कि बी लॉ पास हो जाता है, सी लॉ पास नहीं होता, या सी लॉ पास होता है और बी लॉ पास नहीं होता, तो क्या करे सर? मैंने और उसके बाद जाहिर है उसकी जगह एक नया पेपर आ रहा है जो कि मर्ज पेपर होगा बी लॉ और सी लॉ को मिला के, तो उसमें क्या करें? मैंने इसमें अर्ज पहले वीडियो में की थी कि आपका अगर मिसाल के तौर पे एक पेपर पास है तो आई कैप कैन डू 3 थिंग्स। या तो वो कह सकता है कि भाई जिसका एक पास है बी लॉ पास है, सी लॉ पास नहीं है, या सी लॉ पास है बी लॉ पास नहीं है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली वो तीनों में एक ही पेपर देंगे जो कि मर्ज मर्ज जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉ का मर्ज पेपर होगा वही आपको देना पड़ेगा। यानी अगर आपका बिलफर्ज पास है या नहीं है तब भी आपको एक पेपर देना है, आई कैप एक ये काम कर सकता है। अच्छा, मैंने पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ ना, ये आई कैप ने अभी ये हतमी नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आई कैप की ट्रांजिशनल पॉलिसी के आने का। क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज की थी पिछली वीडियो के अंदर भी, कि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई इसके लिए थी, बनाई थी कि जो आई कैप का ड्राफ्ट आया है ना उसको एक दफ़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दो। उसमें मैंने एक तो कुछ मैंने आपको गो थ्रू करवाया था, क्योंकि कुछ लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी उसमें बताई थी, जैसे ट्रेनिंग पीरियड, या जैसे रैशनल बताया था कि आई कैप जो है वो ये नया पेपर क्यों ला रहा है, या पुराने पेपर क्यों डिलीट कर रहा है, या मर्ज क्यों कर रहा है, या पेपर कम क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे इसलिए डिस्कस की थी। उसके अंदर कुछ ट्रांजिशनल पॉलिसीज मैंने डिस्कस नहीं की थी, बीइंग द रीज़न कि एक तो वीडियो 30 मिनट से ऊपर जा रही थी, और दूसरा ये कि मैं चाह रहा था कि मुझे एक दफ़ा कलेक्टिवली सारे सवाल जमा हो जाएं आप लोगों की तरफ से, तो मैं उसके ऊपर एक कंबाइंड वीडियो जैसे मैंने अभी बना रहा हूँ, इससे पहले बनाई थी वो बना के तो है आपको एक उसके ऊपर अपना व्यू दे दूँ। तो अभी मेरे पास ज़्यादा सवाल आ गए हैं, 50 से ज़्यादा लोगों के सवाल हैं, और इंशाल्लाह जो है मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जो पहला मैं सवाल डिस्कस कर रहा था कि अगर मिसाल के तौर पर किसी का बी लॉ पास है सी लॉ पास नहीं है, या सी लॉ पास है बी लॉ पास नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? तो मैंने अर्ज की थी जैसे के आई कैप आपको कह सकता है कि अगर दोनों में से आपका एक पास है तो आई कैप कह सकता है कि यार तुम कंबाइन पेपर दो, या फिर आई कैप आपको एक अटेम्प्ट की रिलैक्सेशन दे सकता है। यानी मिसाल के तौर पे आई कैप कहता है अगर जो स्टूडेंट जिसका बी लॉ पास है वो सी लॉ दे दे, यानी सी लॉ का अलग से टेस्ट हो जाए, जिसका चांस कम है, और जिसका सी लॉ पास है उसको कह दे यार बी लॉ तुम दे दो, यानी उसको भी
बिलों का अलग से पेपर भी ले सकते, लेकिन ये अगर ऐसा हुआ भी बिल पर तो ये एक ही अटेम्प्ट के लिए होगा, विच आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा होता भी है बिल पर तो एक ही अटेम्प्ट के लिए होगा, लेकिन मोस्टली चांस ये कि अगर दोनों में से किसी का एक पेपर पास है तो वो जो है वो कॉर्पोरेट लॉ का ही पेपर देगा, यानी उसको पेपर सारा देना पड़ेगा। ठीक है जी, पहला एक सवाल बहुत ज्यादा लोगों का ये आ रहा है। दूसरा सवाल आ रहा है जी सीएमए के ऊपर, कि अगर किसी का सीएमए पास है तो क्या उसको जो मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सर उसमें भी यार ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका सीएमए का पेपर पास है तो आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं देना, ये आप पहले याद रखना। अगर सीएमए पास है तो मैनेजरियल अकाउंटिंग का पेपर एग्जेम्प्ट हो जाना है, और अगर सीएमए पास नहीं है तो फिर आपको वो पेपर जो है वो देना पड़ना है। अच्छा तीसरा सवाल ये आ रहा है कि मिसाल के तौर पे किसी बंदे का अभी कैफ पूरा नहीं हुआ और ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए पूरा पास नहीं है, ग्रुप ए के भी पेपर रहते हैं और ग्रुप बी के भी रहते हैं, कुछ पेपर पास है, तो क्या उसको वो जो कैफ 3 नया आ रहा है डाटा सिस्टम एनालिटिक्स वाला, क्या वो पेपर देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से देना पड़ेगा, क्योंकि वो पेपर अगर आपका ग्रुप ए पास नहीं है, ग्रुप बी भी पास अभी पास नहीं है पूरा, तो आपको देना पड़ेगा। और अगर मिसाल के तौर पर कैफ आपका ग्रुप ए पास है और ग्रुप बी अभी पास नहीं है, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा चांस लग रहा है कि शायद आपको ग्रुप ए का वो पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी सारे पेपर पास हो चुके हैं ग्रुप ए के, यानी आपके चार पेपर पहले पास हैं ग्रुप ए के, और आपका ग्रुप बी सिर्फ रहता है, यानी FR2 रहता है, ऑडिट रहता है और MFA रहता है, तो फिर मेरा ख्याल है लॉ का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद एक तीसरा सवाल आ रहा है, ये तो कैफ लेवल के ऊपर से, बाकी मैं जो डिटेल है वो डिफरेंट क्वेश्चंस वो एड्रेस करता हूँ दोबारा से। जो आपका जी सवाल है C5 लेवल पे, वो ये आ रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी का SPM का पेपर पास है तो क्या उसको सस्टेनेबिलिटी जो C5 3 नया आ रहा है उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी? जी मिलेगी बिल्कुल, और अगर आपका C5 SPM पास नहीं तो फिर आपको पेपर देना पड़ेगा। फिर सवाल ये आ रहा है कि अगर किसी का मिसाल के तौर पर C5 पूरा पास है और अभी वो एज ऑफ नाउ MSA 1 या 2 दे रहा है, तो MSA यानी उसके MSA रहते हैं CFAP का पेपर, यानी CFAP के पेपर पास है और आखिरी जो पेपर रह गए वो, तो क्या उसको फिर सस्टेनेबिलिटी का पेपर देना पड़ेगा? जी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका CFAP पूरा पास है या फिर आपका SPM भी पास है इवन, तब भी आपको जो है वो सस्टेनेबिलिटी के पेपर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर आपका SPM पास नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट पास है, तो फिर आपको सस्टेनेबिलिटी का पेपर देना पड़ेगा, वो SPM को रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा उसके अलावा सर एक और सवाल था कि मिसाल के तौर पे किसी ने SPM का पेपर पास किया हुआ है और अभी उसका CFAP चल रहा है एज ऑफ, यानी एज ऑफ नाउ अभी उसने SPM का पेपर पास कर दे अगली अटेम्प्ट से पहले पहले, और क्या उसको फिर वो एग्जेम्पशन जो MSA 1 के लिए एग्जेम्पशन चाहिए थी SPM+BFD, क्या वो देना जरूरी है? जी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जब नई जो स्कीम आई है उसके मुताबिक आपको CFAP के 5 पेपर एटलीस्ट पास करने हैं, आपके स्ट्रेटेजिक के बिजनेस मैनेज जो आखिरी जो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है वो पास करने के लिए। अच्छा इसमें एक सवाल बनता है कि अगर किसी का SPM पास है और बाकी 4 पेपर पास है, तो क्या उसको फिर 5 पेपर, यानी क्या ये SPM की SPM काउंट होगा उन 5 पेपर्स में जो कि कमुलेटिवली पास होने चाहिए आपके? जी बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि आपको सस्टेनेबिलिटी के पेपर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, SPM का पेपर जो है वो सस्टेनेबिलिटी के पेपर के इक्वलेंट रहेगा। अच्छा मैं बाकी सवालों के जवाब दे देता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि पिछले आधे घंटे के अंदर मैंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन अफसोस क्या कर सकते हैं, आपके लिए करना पड़ेगा। सर जो फ्रेशर है उसको 2 अटेम्प्ट में स्कैफ प्लान बना रहा है वो बंदा मार्च 25 के लिए, जी ये भी मैंने बार बार पहले जवाब दिया था इसका भी, ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि मिसाल के तौर पर अभी किसी का पेपर अभी वो नया मार्च 2025 में जा रहा है, तो सर मैंने अर्ज़ की थी कि आप लोग एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक आप चलें, लॉ को अपना दें, मेरा अपना प्रेफरेंस आप 3 पेपर एज ऑफ नाउ आज की डेट पे बात कर रहा हूँ अभी उठा लें, अभी सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है तो आप उठा लें। आई कैप जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि पता है आई कैप भी वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, और ये जो जैसे मैंने अर्ज की थी कि जो स्कीम है ये आपके सारे टीचर्स को मिला के इसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल थे, आई कैप के लोग शामिल थे, टीचर्स शामिल थे, राइट्स के लोग शामिल थे, फर्म्स के लोग शामिल थे, पार्टनर्स शामिल थे, इंडस्ट्री के लोग शामिल थे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं वो शामिल थे, उन्होंने मिला के स्कीम बनाई है, उसको अप्रूव किया, तो उन सबको पता है यार ये चैलेंजेस आने हैं, तो इसका ना आईकैप ने हल निकाला हुआ, ट्रांजिशनल पॉलिसीज बनी हुई हैं, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर दें, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का या महीने तक आईकैप को टाइम दें, इंशाल्लाह ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। एज ऑफ नाउ आप जो है वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक पहले 3 पेपर उठा लें, लॉ को फिलहाल जो है ना महीने तक की ब्रेक लगा लें, मैक्सिमम महीना, तब तक आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ट्रांजिशनल पॉलिसी आई कैप अनाउंस करेगा उसके बाद अपना प्लान कर लीजिएगा।
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो लॉ अभी तक ना उठाएं, लॉ की जगह जो है बाकी तीन पेपर जो है फिलहाल आप उठा लें। और अगर बिलफर्ज पॉलिसीज में ये नहीं आता है कि अगर आपका बिलफर्ज आप पेपर दे सकते हो, यानी बी लॉ अगर आपके पास है तो आप सिर्फ सी लॉ दे सकते हो, या सी लॉ पास है तो सिर्फ बी लॉ दे सकते हो, तो फिर ये आप आगे जाके जो है वो पिक कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये इफ स्टूडेंट हैज टू ग्रुप बी सब्जेक्ट्स रिमेनिंग इन सितंबर 2025, विल ही रिक्वायर बी विल ही गिव CAF 3? अगर उसका CAF 1 पास है ना, ग्रुप 1 पास है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको दोबारा से डेटा एड्रेस का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन आई कैप का वेट करना ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं देना पड़ेगा। व्हेन विल दिस बी इम्प्लीमेंटेड फॉर PRC स्टूडेंट्स? सर मार्च 25 ऑनवर्ड जो भी PRC की अटेम्प्ट होगी ना, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि अप्रैल के स्टार्ट पे ना, ये अप्रैल के मार्च के पेपर्स के फौरन बाद जो CAF के पेपर होंगे, ये जो है वो कर लेगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी स्कीम जो है ना, मार्च के फौरन बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो उसके बाद जो भी आपकी अटेम्प्ट बन रही है उसके अंदर जो है आपको एज पर दिस स्कीम जो है देना पड़ेगा। अरसलान भाई प्लीज। सर अगर कोई बंदा MBA किया है और फेब में PRC पेयर होने का इरादा है तो कितने पेपर देने होंगे? सर उसको देने होंगे एज ऑफ नाउ जो करंट स्कीम है उसके मुताबिक देने होंगे। और जो मेरा अपना, मैंने जैसे पहले अर्ज की है कि एज ऑफ नाउ आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक ही चलें, इंशाल्लाह बाद में खैर होगी। आप अभी अपने आप को ना इतना वो ना करें, क्या उसको बोलते हैं, दो तरफ ना करें। आप एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक PRC तो क्लियर करें ना, उसके बाद फिर देखी जाएगी। अगर आप PRC के अंदर आपने देने पेपर तो यू शुड गिव इट। सर बिफोर दिस पॉलिसी अनाउंसमेंट आई हैड अ प्लान टू प्रिपेयर फॉर CAF ग्रुप ए ऑल 4 पेपर्स इन मार्च 25 एंड CAF ग्रुप बी ऑल 4 पेपर्स इन 2025। शुड आई कंटिन्यू दिस प्लान आफ्टर दिस पॉलिसी और चेंज माई प्लान एंड अपेयर फॉर ओनली 3 पेपर्स इन मार्च 25 एंड लीव बी लॉ प्लीज गाइड? सर मैंने जैसे पहले अर्ज किया है, ये ऊपर भी सवाल किसी ने किया हुआ था, सोहा रिजवान, तो आप बी लॉ को रहने दें एज ऑफ नाउ। अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से क्लासेस का, तो आई कैप जैसे ही अनाउंस करता है देन यू शुड ऑप्ट अकॉर्डिंगली। आई कैप एग्जेम्पशन पॉलिसी भी नहीं, सर आई कैप एग्जेम्पशन पॉलिसी नहीं चेंज हुई। मैंने जैसे अर्ज की कि एंट्री रूट्स बढ़ा दिए हैं, उसके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्पशन पॉलिसी आई कैप ने दे दी है, तो उसके अलावा जो है वो कोई एग्जेम्पशन पॉलिसी चेंज नहीं। वो जो पॉलिसी थी कि मिसाल के तौर पे अगर आपका किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर 75% मार्क्स हैं और ओवरऑल 70% से ज्यादा है तो आई कैप आपको एग्जेम्पशन देते हैं, तो वो पॉलिसी वैसी ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। सर इफ समबडी इज रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कीम बट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल बी ग्रांटेड? और मैंने ये भी पिछले टाइम में, पिछली वीडियो में भी अर्ज की थी कि जो एग्जेम्पशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, ये आप आई कैप से अपना केस टू केस बेसिस के ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि आई कैप ने पुराने स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जेम्पशन अनाउंस, ये कोई टाइम लाइन अनाउंस नहीं की डिस्क्वालिफिकेशन की। तो जो पुराने एज ऑफ नाउ जो स्कीम है उसके अंदर आई कैप ने बताया स्पेसिफिकली कि आप जो है सितंबर, अगर आप कैफ स्टार्ट करते हो तो आपको 5 साल के अंदर अंदर जो है वो कैफ को पूरा करना है। 5 साल से मुराद ये कि 10 अटेम्प्ट के अंदर। और आई कैप हो सकता है इस अटेम्प्ट की फ्रीक्वेंसी भी जैसे सोच रहा है वो बढ़ा सकता है आई कैप, यानी आई कैप इसको भी प्लान कर रखे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी या तो ACCA की तरह कर दे, साल में 4 दफ़ा ले ले या साल में 3 दफ़ा ले ले। लेकिन ये कि जितनी भी अटेम्प्ट बनती हैं तो एज ऑफ नाउ अगर देखें तो 6 6 मंथ बाद भी ले तो 10 अटेम्प्ट के अंदर आपने क्वालिफाई करना, और अगर आपकी आखिर 2 पेपर रह गए तो फिर आपको 1 साल और दिया जाएगा। तो इसके अलावा ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कोई मामला नहीं है। सर ये बता दें मार्च 25 में CAF के फर्स्ट अटेम्प्ट के CAF के पेपर में बी लॉ सी लॉ मर्ज है? नहीं मर्ज नहीं है, ये जो सितंबर 2025 की अटेम्प्ट है उसके अंदर मर्ज है, मार्च वाली अटेम्प्ट के अंदर, ये उसामा मलिक साहब हैं सर, ये मर्ज नहीं है। अच्छा जी, सर प्लीज मेक अ वीडियो फॉर अस बिकॉज वी आर सो डिप्रेस्ड अबाउट इट, विच पेपर हैव टू बी सेलेक्ट फॉर मार्च 2025 अटेम्प्ट इफ वी आर इंटेंडिंग टू कंप्लीट द CAF विद इन 2 अटेम्प्ट। इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं फिर वही कहूंगा आप अभी एज ऑफ नाउ जो है वो 3 पेपर ही उठाओ। आई कैप की जैसी ट्रांजिशनल प्रोविजन आएंगे उसके बाद आपके पास, जाहिर है उसके बाद आपके पास 6 मंथ होंगे, तो आराम से डिसाइड कर लेना। एज ऑफ नाउ आप कोशिश करो कि 3 ही उठाओ। चलो जी, 2 3 अटेम्प्ट लगाकर बी लॉ और सी लॉ पास किया था, अब नेक्स्ट ईयर मर्ज हो रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट आ गया। जी आपको ये सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका पास हो गया तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पीआर स्टूडेंट्स के लिए कब अप्लाई होने है? जब मैंने अर्ज किया था कि पीआर स्टूडेंट सी स्टूडेंट्स के लिए मार्च के फौरन बाद जो भी अटेम्प्ट है मोस्ट प्रॉब्ली जून की होती है, शायद जून वाले अटेम्प्ट में या मई जून की जो भी अटेम्प्ट है उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली इंप्लीमेंटेड होगी। सर आई थिंक स्टाइपेंड शुड बी रिवाइज एंड इंक्रीज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉट ऑन पासिंग द नंबर ऑफ पेपर्स इन न्यू स्कीम 2025। जी मेरे ख्याल से जो
आपका जो कि अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें शायद आईकैप इसको रिवाइज करे। मेरा अपना ख्याल है कि जैसे एसीसी के लिए होता है ना कि पहले साल में 10,000, मिसाल के पहले साल 10,000, अगले साल 12,000, तीसरे साल 14,000 या इस तरह जो भी होता है, मे बी आईकैप इसको भी रिवाइज करे, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर है वो नंबर ऑफ पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग के लिए, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एक नया स्टूडेंट है वो जिसका भी सिर्फ कैफ पास है, वो करंट ऑप्शन को ऑप्ट करता है, यानी साल वेट करेगा, साल के बाद सीफैप के पेपर देगा, उसके बाद उसके पेपर पास होंगे, फिर वो क्वालिफाई करेगा 3.5 साल की ट्रेनिंग करके। उसके लिए देखो एज ऑफ नाउ आई क्या पता यार, उसको स्टार्टिंग में बिल फर्स 20,000 रुपये देने हैं। साल बाद वो सीफैप के पेपर पास करेगा, 3 पेपर पास हुआ, आई क्या पता है बिल फर्स 25,000 देने, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहता है थोड़े दिन और बाद और पेपर पास होंगे, आई क्या पता है यार, उसको 30,000 या 35,000 या 70,000 जो भी है वो देने। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनके पेपर बेस्ड जो है ना स्टाइपेंड है। अब मिसाल के तौर पे आईकैप इंट्रोड्यूस करता है अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली पेपर वाला स्ट्रक्चर नहीं है, आपको पेपर पास नहीं करवाने, तो उसमें फिर क्या होगा? यानी पेपर पास नहीं हो रहा तो क्या फिक्स स्टाइपेंड पे काम होगा? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फिक्स स्टाइपेंड पे आईकैप कभी नहीं जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि आईकैप हो सकता है ये स्टाइपेंड वाली पॉलिसी भी रिवाइज करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो है वो स्टाइपेंड वाला चीज जो है वो आईकैप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में एज ऑफ ऑन गोइंग कोई ये डिस्कशन काउंसिल लेवल पे होती है, एडकॉम लेवल पे नहीं होती, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज जो है वो होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल बाद होगी पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी? नहीं सर, डिस्क्वालिफिकेशन पुराने स्टूडेंट्स के लिए एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक होगी। फिर आईकैप से आप डिस्कस कीजिएगा, जब नई स्कीम आ गई तो हो सकता है आपको कुछ एग्जेम्पशन ग्रांट हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो डिस्क्वालीफाई हो गया वो हो गया। बात इतना तो हम खुद भी पढ़ सकते थे, आपने क्या गाइड किया सर? मैंने अर्ज की थी इस वीडियो में कि मैंने ये वीडियो जो पिछली ड्राफ्ट वाली वीडियो थी, कि वीडियो मकसद था समझाने का कि भाई इसमें क्या आया है, इसका बैकग्राउंड बताने का, रैशनल बताने का, क्यूरियस मैं आपके इस वीडियो के अंदर मैंने अर्ज की है। अभी 17 मिनट की वीडियो हो गई है, इससे पहले जो है वो आपकी सारी क्यूरियस जो मैंने एड्रेस कर दी है, आगे और भी 40-50 क्यूरियस हैं, एक एक करके मैं सारी एड्रेस कर देता हूँ। आई गॉट टू क्यूरीज। माई फर्स्ट टाइम जो सर ये वही क्यूरी है इंसाफ की, मैंने पिछली जब इससे पहले मैंने इसका वर्जन रिकॉर्ड किया था तो बड़ी डिटेल से इनके सारा पढ़ के उसकी वो बता रही थी। सर इनकी पहली क्यूरी थी कि अगर मैं एसपीएम देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो क्या मुझे सस्टेनेबिलिटी की एग्जेम्पशन मिलेगी? सर अगर आप दिसंबर से पहले देते हैं, दिसंबर में यानी जून से पहले पहले, इस अगले साल दिसंबर से पहले पहले देते हैं, जी बिल्कुल मिलेगी। फिर वो कह रहे थे कि अगर मैं एसपीएम और बीएफडी मिला के देता हूँ MS-1, जो अभी एज ऑफ नो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, और मेरा अगली अटेम्प्ट में सिर्फ एसपीएम पास होता है और बीएफडी पास नहीं, तो फिर तो वो यूजलेस हो गया, क्योंकि एमएससी ही खत्म हो गया। तो मैंने अर्ज की थी कि सर आप अगर आप अगली स्कीम का प्लान करें कि आपके जो पेपर हैं वो अगली स्कीम में फॉल करने हैं, तो फिर आप प्लानिंग को छोड़ दें, आप अपने 5 पेपर सीफ के जो भी आपको समझ आ रहे हैं वो पास करें और एमएससी की टेंशन छोड़ दें, क्योंकि आपको एमएससी नहीं देना। बिल्कुल सर, बीएफडी आप ना दें, अगर आपने एमएससी वाला प्लान है आपके जहन में तो बीएफडी छोड़ दें। ये बड़ा अच्छा सवाल था, शाहजेब अहमद साहब, इनका सवाल था। अच्छा दूसरा इनका सवाल था कि जो डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक की कोर्सेज MS-1/2 को अनलॉक करने के लिए, वो भी ज़ाहिर अब यूज, क्योंकि MS-1/2 खत्म हो गए तो वो भी ज़ाहिर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे, उसको भी आप जो है वो एक दफा सीफ पास करने के बाद, जिसके बाद आपके अनलॉक होंगे स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, उसके साथ दे दीजिएगा, अभी उसकी भी आप टेंशन छोड़ दें। श्योरेस AI will obviously be modification in the real course, but it will be needed to unlock the CFAP 6 audit. सर इसके ऊपर आप वेट कर ले, ये जो आपका आखिरी पार्ट है ना कि CFAP 6 के लिए क्या करना है, इसके ऊपर आएगी आपकी ट्रांजिशनल पॉलिसीज का वेट कर ले, क्योंकि अभी आपको पता है 2 अटेम्प्ट रहती हैं, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आईकैप आपको क्लैरिफाई कर देगा। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये बड़े ही पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है स्कीम, तो आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट किया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी सर। और अगर इनमें से कोई चीज ना हुई ना, अगर ये जो आईकैप की ट्रांजिशनल पॉलिसी जब आती है उसके बाद ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो फिर हम आईकैप के फोरम पे बात करेंगे। अभी तो एटकॉम की भी टेन्योर है और बाकी हम आईकैप के फोरम पे ये सारे क्वेश्चंस उठाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे भाई क्या कर रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा जो जवाब देंगे हम आप तक कम्युनिकेट कर देंगे। सर अगर कोई SPM का करता है तो क्या उससे CFAP 3 नहीं देना पड़े? जी सर, कोई बंदा SPM पास करता है तो उसको सस्टेनेबिलिटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन। अच्छा जी सर, अगर कोई मार्च में टैक्स FR, B लॉ, कंपनी लॉ दूँ तो September 25 में कितने पेपर रह जाएंगे, 4 या 5? जी मैंने अर्ज की है कि इफेक्टिवली अगर तो वो इंट्रोड्यूस होता है दोबारा, यानी आपको ट्रांजिशनल पॉलिसी में लॉ, अगर आपका कोई एक पेपर पास है B या C लॉ, तो
और आके आप कहते हैं कि भाई दो ही दो, तुम कॉर्पोरेट लॉ का पेपर दो ही दो, तो फिर आपके पेपर ज़ाहिर है 5 रह जाएंगे। और अगर आपका आई कैप कहता है कि यार तुम्हें एग्जेम्पशन है, या कुछ ट्रांजिशनल कहता है कि यार तुम इस अटैम्प्ट में दे लो, अगली अटैम्प्ट से हम देखेंगे, अगली अटैम्प्ट से ख़त्म कर दो, तो फिर ज़ाहिर 4 रह जाएंगे। सर अगर मार्च 20 में FR1 टैक्स, अच्छा जी सर, आफ्टर डूइंग कैफ वी कैन डू अदर यूनिवर्सिटी डिग्री इजिली एंड वेदर इट वुड। जी सर आप, मैंने पिछली एक और वीडियो में भी अर्ज की थी कि जो एक यूनिवर्सिटी आई कैप की, मैंने नाम नहीं लिया, एक किसी यूनिवर्सिटी से आई कैप का मैं साइन हो रहा है कि आई कैप जो है वो कैफ स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, तो हो सकता है वो जो है वो स्टूडेंट जो है कैफ के उनको अपनी जो प्रोग्राम है उसके अंदर इंडक्ट कर ले। तो ये चीज़ अंदर डिस्कशन है, इसके ऊपर अभी हतमी आई कैप की तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ आई कैप के MOU साइन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो मेंबर्स के लिए, आई एम नॉट श्योर, बट आप रीचेक कर लो, लेकिन कैफ के लिए जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, बट एज ऑफ नाउ ये ऑफिशियल नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन दैट आफ्टर क्वालिफाइंग ACCA इफ वन कंटिन्यूस कैफ विल शी बी एबल टू रजिस्टर इमीडिएटली फॉर द आर्टिकल एज कैफ इज नॉट। सर मैंने अर्ज किया कि ACCA के लिए आपको कुछ पेपर देने हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज की थी, ACCA के लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पेपर हैं, 3-4 हैं शायद, जिसमें लॉ होगा, टैक्स होगा, और 1-2 और है शायद, वो पेपर आपने देने हैं, वो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वो पेपर आपने देने हैं, उसके बाद जो है वो आप कैफ की एग्जामेशन ले सकते हो। और उसमें जो ये नीचे किसी ने सवाल किया था, मैं साथ ही मर्ज कर देता हूँ कि उसने सवाल किया था कि अगर मैं ACCA करता हूँ और कैफ के ये पेपर भी करता हूँ और आर्टिकल शुरू करता हूँ और अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग करता हूँ 2.5 साल की, तो जो 2.5 साल है क्या वो मेरे CA के काउंट होंगे या ACCA के काउंट होंगे? सर वो ACCA के भी काउंट होंगे, अगर आप किसी ऐसी फर्म से करते हो आर्टिकल जो ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर भी है, तो फिर आपके CA और ACCA दोनों के वो आर्टिकल जो है काउंट होंगे, तो उसके लिए आपको अलग से, क्योंकि ACCA की मेंबरशिप के लिए भी 3 साल के आर्टिकल चाहिए ना, तो वो आपकी CA की मेंबरशिप के लिए भी काफी होंगे और ACCA की मेंबरशिप के लिए भी काफी होंगे। कैन यू एक्सप्लेन दैट आफ्टर क्वालिफाइंग ACCA वन कंटिन्यूस कैप व्हाट डू यू फुल एग्जाम फॉर द आर्टिकल एज कैप इज नॉट फुल? नहीं, इमीडिएटली नहीं कर सकते, आपको वो 3-4 पेपर देने पड़ेंगे। सर प्लीज बताएं जो बच्चे मार्च 25 में कैफ की फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको पेपर ओल्ड स्कीम के, सर उनके ओल्ड स्कीम के मुताबिक आएंगे। विद द न्यू आई कैप 2025 पॉलिसी फॉर कैफ सेट टू इंप्लीमेंट, आई हैव अ क्वेश्चन फ्यू रिगार्डिंग माय एग्जाम स्केड्यूल, आई इनिशियली प्लान टू अटेम्प्ट 4 पेपर्स इन दिस सेशन। सर ये मैंने इस सवाल के ऊपर भी एड्रेस किया कि अभी एज ऑफ नाउ 3 पेपर उठा लो आई कैप की ट्रांजिशनल पॉलिसीज को आने दो, फिर उसके बाद जो है अगर आपने एक एक्स्ट्रा पेपर उठाना हुआ तो उठा लीजिएगा। सर जिस में मार्च 25 में कॉस्ट ऑफ सी लॉ पास हो वो न्यू स्कीम में पेपर देगा, CMA का एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और सी लॉ के ऊपर और बी लॉ के ऊपर मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि आपको आई कैप की तरफ वेट करना पड़ेगा। सो वी शुड नॉट अपियर इन SPM पेपर इन दिसंबर 24 कंसीडरिंग, नहीं सर अटेम्प्ट करें ना आप SPM का पेपर दिसंबर 2024 में, बींग द रीजन कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी सस्टेनेबिलिटी के पेपर की। वट अबाउट दोज हु हैव पास बी लॉ बट नॉट सी लॉ? मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। अच्छा एज ऑफ नाउ बात कर रहे हैं आपके, अगर अभी किसी का बी लॉ पास है तो वो सी लॉ वगैरह करे, सर अगर सी लॉ मार्च तक आप कर लेते हैं तो वो आपके एग्जाम, आपको कॉर्पोरेट लॉ का पेपर नहीं देना पड़ेगा, यानी आप दोनों पेपर अगर मार्च से पहले कर लेते हैं तो देन आपको इश्यू नहीं होगा। अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग शुरू करके से शुरू ट्रेनिंग मेरे लिए से, जी मैंने ऊपर एड्रेस कर दिया जी पहले आपका सवाल, ये द डिस्ट्रॉयर साहब है, मैंने अर्ज कर दिया आपका। सर न्यू स्कीम CAF 5 मैनेजरियल अकाउंट, सर ये CMA की अपग्रेडेड फॉर्म है, CMA CAF 3 जो है वो नेक्स्ट टाइम में ले सक, सर ले सकते हैं क्योंकि आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी फिर उसकी मैनेजरियल अकाउंटिंग की। CAF मार्च 25 में बी लॉ का पेपर देना चाहिए, मैंने अर्ज कर दिया जी। क्या ऑटम 25 के CAF क्वालिफाइड दिसंबर ACCA इलेक्शन के वक्त? सर ये पूछ रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा मार्च 2025 के, ऑटम 25, ऑटम 25 यू आर सेइंग, ऑटम 25 का मतलब है कि अगले साल सितंबर 25 में ना जी, आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी मुराद अभी से है ना, ये अभी ऑटम 24 से, तो तब अगर तब आप मार्च के बाद जो है ना, अगर आप मिसाल के तौर पे आप अभी क्वालिफाई करते हो, अभी सितंबर की जो अटेम्प्ट हो रही है, हुई है या हो जो भी चल रही है, तो इसमें आप क्वालिफाई करते हो और आपको आर्टिकल्स नहीं मिलते खुदा ना खास्ता अगले साल अप्रैल मई तक, और उसके बाद आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, तो फिर आपके ऊपर नई स्कीम इंप्लीमेंट होगी। अगर आपको आर्टिकल अभी मिलते हैं तो फिर आपको जो है वो अभी करेगा। अच्छा मुझसे एक सवाल और किसी ने किया था अभी, शायद व्हाट्सएप पे किया था, मैं आपको वो भी एड्रेस कर देता हूँ। कोई बंदा पूछ रहा था कि मिसाल के तौर पे मैं CFAP के एटलीस्ट 4 पेपर जो है ना आई कैप ने कहेंगे अगर किसी ने अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग करनी है
तो वो सी एफ के एटलीस्ट चार अगर पास हो, या कैफ का जो है मामला, कैफ की जो उन्होंने बोला, तो उसमें मैंने अर्ज की थी कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा, यानी आप ये समझो कि किसी पीआरसी शुरू किया, पीआरसी पे 6 महीने लगाता है, फिर उसने कैफ बिल फॉर 2 साल लगा के कैफ भी किया, ठीक है, आइडियल सिनेरियो डिस्कस करते हैं, 2 साल लगा के कैफ के 2.5 साल हो गए, उसके बाद वो सीफैप पहले करता है, सीफैप के 4 पेपर देता है या 6 पेपर या पूरा पहले दे देता है, सीफैप के 4 पेपर बिल फॉर देता है, सीफैप के 4 पेपर का मतलब ये है कि वो 1.5 से 2 साल और लगाता है या पूरा ही वो पहले कर लेता है, तो 2 साल आप और डाल लो वो और करता है, तो 2.5 साल पहले हो गए, 2 साल और 4.5 साल, फिर वो 3 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग भी करता है, तो कितना टाइम हो गया जी, 7.5 साल में आपको जाके सीए हो रहा है, और आप एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन में देखो तो आप 6 महीने में पीआरसी करो, 2 साल में कैफ करो, 2.5 साल हो गए, जो कि जनरली लोग 2 साल के अंदर कर लेते हैं, उससे भी 1.5 से 2 साल में कर लेते हैं। अच्छा, 2 साल हम कहते हैं कि 1.5 से, हम 2.5 साल ही एज्यूम करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, 3.5 साल की आर्टिकलशिप है, कितने साल हो गए जी, 2.5 साल की और 3.5 साल, 4, 5 और 6, 6 साल के अंदर आप, और उसी के अंदर आप आर्टिकल्स के अंदर आप अपने पेपर पास करो, 6 साल में आपको क्वालिफाई हो गए, तो कहाँ आपका 7, 7.5 या 8 साल और कहाँ आपका 6 साल। तो एग्जिस्टिंग जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो मच बेटर है एक सिंपल सीए के स्टूडेंट के लिए, जो मैंने पहले भी अर्ज की थी पिछली वीडियो में भी, कि जो नए रूट्स इंप्लीमेंट हुए हैं ना, कि आप 3 साल की, 3.5 साल की अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग, 3 साल की या 2.5 साल की हो या 3 साल की, वो बेहतर है उनके लिए जिन्होंने या तो सीएमए किया हुआ है या एसीसीए किया हुआ है, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से कोई बैचलर वगैरह कर कर आ रहे, वो उनके लिए फिजेबल है, आप जिसका सिंपल सीए करना है उसके लिए फिजेबल नहीं है, मैं दोबारा रिएट्रेट कर रहा हूँ। बाकी ये कि भी ऑब्वियसली चीजें सामने जब ट्रांजिशनल पॉलिसी आएगी या जब फाइनल अप्रूव स्कीम आएगी उसके बाद ही हम दोबारा इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है वो मैंने आपको अपना आर्गूमेंट दे दिया है। इसके अलावा मैं जल्दी जल्दी जो फेसबुक पे क्वेश्चंस थे वो जल्दी जल्दी एड्रेस कर देता हूँ जो रिपीटेटेड है। सर ट्रांजिशनल पॉलिसीज मैंने बता दिया है। अच्छा, सी लॉ बी लॉ सर मैंने बता दिया, ये भी इसमें मसला नहीं होना चाहिए। उसके बाद एग्जेम्पशन, इफ आई डोंट कंप्लीट सी फाइव बाय जून 2025 एंड आई हैव वन पेपर लेफ्ट, विल आई बी रिक्वायर्ड टू टेक द रिमेनिंग पेपर प्लस, नहीं अगर एसपीएम पास है तो फिर सस्टेनेबिलिटी का पेपर देना, आपको सिर्फ अपना वही पेपर देना है जो वो होगा। जेन में डिस्क्वालिफिकेशन है सर, डिस्क्वालिफिकेशन की मैंने अर्ज की कि आई कैप से बात करें, एज ऑफ नाउ अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पुराना रूल ही अप्लाई होना चाहिए, नए रूल में शायद आई कैप आपको दे दे, लेकिन अगर आप अभी ज़्यादा 6 मंथ है तो आप कोशिश करो अपना क्वालिफाई करने की, अगर क्वालिफाई नहीं होता तो फिर आप नई स्कीम के बाद आई कैप से कॉन्टैक्ट करना, केस टू केस बेसिस पे होता है। अच्छा जी, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का जी मैंने बता दिया कोई चेंज नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था मैं वो, अच्छा उससे पहले ये सवाल मैं बता दूं, टैक्स सर ये एक साहब है वो पूछ रहे कि मेरा 2022 के अंदर लास्ट पेपर पास हुआ था, सर आई कैप से बात करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, रिमेनिंग टाइम जो है वो आई कैप ने सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए बताया, मैंने जैसे अर्ज की 5 साल दिए हैं आपको और 5 साल में आपने अपना कैफ करना है और 2 अटेम्प्ट आपको, यानी 2, 1 साल एडिशनल मिल जाएगा, 6 साल का आपको टाइम दिया आई कैप ने, उस जो नई स्कीम है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए आप आई कैप से रब्ता करें, मेरा नहीं ख्याल उनके लिए कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है। अच्छा सर, एक सवाल कहते हैं कि अगर मैं एसीसीए के बाद आर्मी ज्वाइन करनी हो तो क्या रूट है। सर मैं कोई बैकग्राउंड नहीं है आर्मी से, ना मेरे फादर आर्मी में थे, ना मैंने कभी खुद आर्मी में ट्राई किया है, ना मुझे लॉजिक समझ आ रही कि आपने एसीसीए करके आर्मी में क्यों जाना है, तो नॉट श्योर, ये आप मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं करवाना, मैं कुछ उल्टा सीधा कमेंट नहीं कर सकता। और आखिर में जी इंस्टाग्राम के भी क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, सर आगे सिस्टम में रिस्क वाला जो सब्जेक्ट आया, सिस्टम रिस्क वाला कैफ में वो देना पड़ेगा जिनकी कॉस्ट पास है जी, कॉस्ट का ये वेट कर ले जी, ट्रांजिशनल पॉलिसी का मैंने पहले ऊपर भी इसको एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, लिंक्डइन पे क्या है अहमद भाई, न्यू स्कीम एसपीएम, सर ये मैंने कैफ सीफैप 3 वाली बात बता दी कि एसपीएम अगर आपका पास है तो सीफैप 3 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और बाकी वही जेनेरिक क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन सारे सवालों के जवाब दे दिए, दोबारा से मैंने 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की सिर्फ आपके लिए, मेरा कोई इरादा नहीं था दोबारा रिकॉर्ड करने का, लेकिन मैंने कर दिए, और उम्मीद है अब आप लोगों के सारे सवाल एड्रेस हो गए होंगे, ये वो तमाम सवाल है जो मुझे पिछले 48 आवर्स के अंदर रिसीव हुए हैं,
तो कोशिश करें जी, YouTube के जो कमेंट्स थे उनके अंदर भी यही सवाल है मोर और लेस घुमा फिरा के, तो उम्मीद है आपके सवाल सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, मेरे 9,000 के करीब सब्सक्राइबर होंगे, 9,000 से ऊपर होंगे, लेकिन ये कम है, बींग द रीज़न के मैं मुझे एक महीने के 40-50 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो 40-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं एक महीने के और 9,000 सब्सक्राइबर, तो ये कुछ मिसमैच हो रहा है। मतलब ये नहीं, आप देखो कि 5 टाइम्स जो, यानी हर 5 में से एक बंदा सब्सक्राइबर है, तो कोशिश करें यार इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ, इतनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, कोशिश करें आप भी मुझे सपोर्ट करें। और 10,000 सब्सक्राइबर हुए तो मैं पावर बीआई का पूरा कोर्स है वो फ्री कर दूँगा, मैंने 11-12 वीडियोज़ डाली है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मेरा कोर्स है, 30 वीडियोज़ है वो, आप कितने लोगों ने किए 2 साल में, 1 लाख से ऊपर लोगों ने उसकी व्यूज़ है, व्यूअरशिप है। क्विक बुक्स का कोर्स है वो हज़ारों लोगों ने किया हुआ है, तो कोशिश करें मुझे सपोर्ट करें, तो तभी मुझे मोटिवेशन होगी आपको कोर्सेज बना के देने की। पावर बीआई का कोर्स है, टैक्स के मेरे कोर्सेज आपने देखे, कितने कोर्सेज हैं मेरे टैक्स के, पाकिस्तान टैक्स का, यूए टैक्स का, केएसए टैक्स का, वैट का, आईएफआरएस की ट्रेनिंग्स, कितना मैंने काम किए हुए, तो वो सारी पेड ट्रेनिंग्स है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का एडवांस कोर्स है, वो सारी पेड ट्रेनिंग्स, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, फ्रीलांसिंग से कमाना चाहते हैं, घर बैठ के ऑनलाइन अपवर्क के थ्रू किसी और मुल्क में सर्विस देना चाहते हैं, तो आपको वो कोर्स भी करना चाहिए, या आप बाहर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो तब आपके लिए वो कोर्सेज मैंने बनाए हुए हैं, उनको देखें। ज़कात का कोर्स है, ट्रांसफर पैसिंग का कोर्स है, वो सारे कोर्सेज करें, वो पेड है, उसके लिए ज़रा आपको एक बहुत नॉमिनल सी फी है यार, बहुत थोड़ी सी फी है, मुझे मैसेज करो मैं बता दूंगा। तो एक थोड़ी सी फीस के अगेंस्ट मैं आपको पूरे पूरे इतने कोर्सेज दे रहा हूँ, तो अब आपका भी काम है मुझे सपोर्ट करें, आपने की है, मैं आई वॉन्ट डिनाई कि आप सपोर्ट नहीं करते, आप वीडियोज देखते हैं और सब्सक्राइब भी करें ताकि थोड़ा सा मेरा चैनल उठे। तो थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मुझे और अपने आप को दुआ में याद रखें। जजाकल्ला।